तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है SWD यानी कि शॉर्ट वेव डायथर्मी। तो जो SWD होता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 27.12 मेगाहर्ट्ज, मेगा के अंदर होती है यानी कि कितनी ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी होती है SWD की। लेकिन इसको शॉर्ट वेव क्यों बोलते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी तो इतनी हाई है तो इसको शॉर्ट वेव बोलते हैं इसकी वेवलेंथ की वजह से। जो इसकी वेवलेंथ होती है वो बहुत कम होती है, 11.06 मीटर, यानी कि कितनी कम वेवलेंथ होती है इसकी, और उसी वजह से इसको शॉर्ट वेव बोला जाता है। ये जो रेंज है जो रेडियो वेव्स होती है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर, तो उसके ऊपर लाया करता है ये। और इसको डायाथर्मी इसलिए बोलते हैं, इसके अंदर जो डाया वर्ड है उसका मतलब है थ्रू, और जो थर्मी वर्ड है इसका मतलब होता है हीट, यानी कि जो SWD की जो वेव्स होती है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है SWD की, वो हमारे सारे टिश्यूज को क्रॉस करती है, हमारे स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यू, मसल्स, पूरे जो हमारे टिश्यूज होती है उनको क्रॉस करके जाती है और डीप हीटिंग प्रोवाइड करती है। तो जो SWD होती है वो एक डीप हीटिंग मोडालिटी होती है। और अगर हम कंपेयर करें जो पैराफिन वैक्स बात होता है या फिर जो हीटिंग पैड्स होते हैं, तो ये सब क्या होता है, कंपैरेटिवली सुपरफिशियल हीट प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जो SWD होता है उसकी ये स्पेशलिटी होती है कि वो डीप तक जाता है और डीप हीटिंग प्रोवाइड करता है टिश्यूज को। अब क्योंकि इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इतनी ज्यादा हाई होती है, यानी कि एक सेकेंड के अंदर वो इतनी बार जो इसकी जो इम्पल्स है वो ऑसिलेट करती है, तो इस वजह से जो हमारी सेंसरी नर्व्स या फिर जो मोटर नर्व्स होती है उसको ये स्टिमुलेट ही नहीं करता। यानी कि अगर हम पेशेंट को ये अप्लाई करेंगे SWD, तो पेशेंट को कोई मसल कॉन्ट्रैक्शन फील नहीं होगा, कोई डिस्कम्फर्ट फील नहीं होगा, क्योंकि जो SWD होता है हमारे मोटर नर्व्स को स्टिमुलेट ही नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको उतना टाइम ही नहीं मिल पाता, जो नर्व्स होती है उसको स्टिमुलेट करने का उतना टाइम ही नहीं मिल पाता, क्योंकि उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इतनी ज्यादा होती है, एक सेकेंड में वो इतनी बार ऑसिलेट करता है कि नर्व्स को स्टिमुलेट ही नहीं कर पाता। इस वजह से जो पेशेंट है उसको डिस्कम्फर्ट फील नहीं होता। तो SWD दो मोड से एनर्जी को डिलीवर करता है, एक तो होता है कंटिन्यूअस मोड और एक होता है पल्स मोड। कंटिन्यूअस मोड के अंदर होता है कि SWD पूरे ट्रीटमेंट ड्यूरेशन के टाइम कंटिन्यूअसली जो एनर्जी है वो फ्लो होती रहती है पेशेंट के टिश्यूज के अंदर। जो पल्स मोड होता है उसके अंदर ये होता है कि कुछ टाइम के लिए एनर्जी डिलीवर होगी और फिर कुछ टाइम के लिए पॉज हो जाएगा, फिर कुछ टाइम के लिए एनर्जी डिलीवर होगी और फिर कुछ टाइम के लिए पॉज हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि पल्स फॉर्म के अंदर जो पेशेंट है उसको एनर्जी डिलीवर होती है। तो हम कंटिन्यूअस मोड भी यूज में ले सकते हैं, पल्स मोड भी यूज में ले सकते हैं। तो अब हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ SWD, यानी कि कौन से प्रिंसिपल के ऊपर ये वर्क करता है। तो आपको पता है कि SWD के अंदर बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी का जो वेव होती है उसकी जरूरत पड़ती है। तो कोई भी ऑर्डिनरी मैकेनिकल डिवाइस इतनी ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी का करंट नहीं बना सकता। इतनी ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी की वेव्स बनाने के लिए हमें कैपेसिटर की जरूरत होती है और एक इंडक्टेंस की जरूरत होती है। जैसे जैसे जो कैपेसिटर होता है वो बार बार चार्ज होगा, फिर वापस से डिस्चार्ज होगा, फिर चार्ज होगा, फिर डिस्चार्ज होगा, तो ये जो साइकिल होती है बार बार रिपीट होती रहती है। और उसका जो रिजल्टेंट होता है वो होता है कि हमें बहुत ज्यादा जो हाई फ्रीक्वेंसी की वेव्स है वो मिलती है। तो इसके अंदर हम कैपेसिटर और इंडक्टेंस जो कॉइल होते हैं उसका यूज में लेते हैं ताकि जो हमें हाई फ्रीक्वेंसी का करंट है वो मिल सके। तो ये जो फॉर्मूला है ये हमें ये बता रहा है कि जो F है वो फ्रीक्वेंसी है, जो L है वो इंडक्टर है, और जो C है वो है कैपेसिटर। तो इसके अंदर जो आप देख सकते हो कि जो फ्रीक्वेंसी और इंडक्टेंस और कैपेसिटर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, यानी कि हम जितना छोटा कैपेसिटर और इंडक्टेंस लेंगे उतनी ही हमें हाई फ्रीक्वेंसी मिलेगी, और वाइस वर्सा अगर हम जितना ज्यादा साइज में बड़ा इंडक्टेंस और कैपेसिटर लेंगे तो उतना ही कम फ्रीक्वेंसी के अंदर हमें वेव्स मिलेगी। तो ये हमें फॉर्मूला ये बताना चाह रहा है। तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगी वर्किंग ऑफ SWD। तो इस टॉपिक को अच्छे से समझना क्योंकि लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि एग्जैक्टली कैसे वर्क करता है ये। तो इसको समझने के लिए आप लोगों को थोड़ी सी 11, 12 की जो फिजिक्स है उसकी भी नॉलेज होनी जरूरी है। तो इसके अंदर मैं आप लोगों को सबसे पहले बता देती हूँ कि क्या चीज क्या है, और उसके बाद में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी इसकी वर्किंग। तो इसके अंदर ये जो आपको दिख रहा है ये ट्रांसफॉर्मर्स है, ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, क्योंकि इसके अंदर आप देख सकते हो कि जो ये नंबर है कॉइल्स का, तो इसके अंदर जो प्राइमरी कॉइल के जो नंबर है वो ज्यादा है बजाय सेकेंडरी कॉइल के। ये प्राइमरी कॉइल है और ये सेकेंडरी कॉइल है, और इसको हम बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, क्योंकि इसके अंदर जो सेकेंडरी कॉइल है उसके नंबर कम है, और ये जो है ये है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। तो इसके अंदर क्या है, जो प्राइमरी कॉइल के अंदर जितने नंबर होते हैं
उससे ज्यादा होता है सेकेंडरी कॉइल के अंदर, इस वजह से इसको बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। इसके अंदर ये जो है वो है ट्रायोड वॉल्व। ट्रायोड वॉल्व के अंदर क्या होता है, एक फिलामेंट होता है, एक ग्रिड होता है, ये जो है वो ग्रिड है। तो ग्रिड का बेसिकली काम ये होता है कि ये कंट्रोल करता है कि कितना इससे करंट जो है वो फ्लो होना चाहिए। अगर जैसे सपोज करो कि यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज हो गया, जो ग्रिड है वो नेगेटिवली चार्ज हो गया, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को उधर जाने नहीं देगा, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, इलेक्ट्रॉन्स भी नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो नेगेटिव नेगेटिव आपस में रिपेल करेंगे, तो इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आगे जा नहीं पाते, तो इस वजह से ये करंट को स्टॉप कर देता है। तो बेसिकली इसका क्या काम होता है कि करंट को रेगुलेट करता है। और जो नेक्स्ट है वो है प्लेट। तो ये जो है वो प्लेट है, इसको हम एनोड भी बोलते हैं। तो ये जो पूरा हो गया वो हो गया ट्रायोड वॉल्व। इसके अंदर ये जो आपको रेड के अंदर दिख रहा है उसको हम बोलते हैं ऑसिलेटर सर्किट। ऑसिलेटर सर्किट भी बोल सकते हैं या फिर मशीन सर्किट भी बोल सकते हैं। तो ये जो होता है ये ऑसिलेटर सर्किट होता है, और ये ही मेन जो हमारा हाई फ्रीक्वेंसी का जो करंट होता है उसको बनाने में मदद करता है। और उसके अलावा जो ये ग्रीन के अंदर आपको दिख रहा है, तो ये जो है वो है पेशेंट सर्किट, या फिर इसको रेजोनेटर सर्किट भी बोलते हैं। अब इसके अंदर आप देख सकते हो कि एक कैपेसिटर है, एक इंडक्टेंस कॉइल है। जो पेशेंट सर्किट है उसके अंदर भी इंडक्टर और कैपेसिटर है। तो मैंने आप लोगों को प्रिंसिपल के अंदर बताया था कि हाई फ्रीक्वेंसी का करंट प्रोड्यूस करने के लिए कैपेसिटर और इंडक्टेंस की जरूरत पड़ती है एसडब्ल्यूडी के अंदर। तो अब हम देखते हैं इसकी वर्किंग। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे हम स्विच ऑन करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, जो मेन सर्किट, जो मेन वोल्टेज होता है वो सबसे पहले मशीन को मिलता है, जो कि होता है 220 वोल्ट। तो ये जो हमारा जो मेन एसी वोल्टेज होता है वो होता है। अब इसके अंदर क्या होता है, हम जैसे स्विच ऑन करते हैं तो जो हमारा मेन एसी वोल्टेज होता है वो सबसे पहले मशीन को मिलता है, जो कि होता है 220 वोल्ट। अब ये जो 220 वोल्ट है वो सबसे पहले कहाँ जाता है, ट्रांसफॉर्मर्स के पास, जो स्टेप डाउन और स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, तो उसके पास ये 220 वोल्ट जाता है। तो ये जैसे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के पास जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि इसके अंदर सेकेंडरी कॉइल के अंदर क्या होता है, कॉइल्स के जो नंबर होता है वो कम होते हैं, तो उस वजह से जो वोल्ट होता है ये भी कम हो जाता है, ये 20 वोल्ट हो जाता है जैसे सेकेंडरी कॉइल के पास पहुंचता है। और ये प्राइमरी से सेकेंडरी कॉइल के पास जाता कैसे है, जैसे प्राइमरी कॉइल के अंदर ये करंट रन कर रहा होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, एक मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप हो जाएगा, और ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप होने के कारण क्या हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा सेकेंडरी कॉइल के अंदर। तो इस वजह से इसके पास भी क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा। तो अब ये करंट क्या होता है, चला जाता है ट्रायोड वॉल्व के पास। और स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के अंदर क्या होता है, जैसे 220 वोल्ट मिलता है प्राइमरी कॉइल के पास, तो इसके अंदर जो सेकेंडरी कॉइल के पास क्योंकि नंबर ज्यादा होते हैं कॉइल्स के, तो उस वजह से जो पहले से क्या हो जाता है, ज्यादा वोल्ट इंक्रीज हो जाता है उसका। पहले तो था 220 वोल्ट, अब सेकेंडरी कॉइल के पास आने के बाद क्या हो जाएगा, 4000 वोल्ट। और ये आगे जाके कनेक्टेड होता है हमारा जो ऑसिलेटर सर्किट है उसके साथ। और जो ये सेकेंडरी कॉइल है तो ये आगे जाके कनेक्टेड होती है फिलामेंट से। ये जो ट्रायोड वॉल है उसका जो फिलामेंट है उससे उसके साथ ही कनेक्टेड होता है जाके। अब जैसे ही हमारा जो 20 वोल्ट है, ये जो करंट है वो फिलामेंट के पास जाता है, तो ये फिलामेंट क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, यानी कि इसके अंदर जो हीट है वो इंक्रीज हो जाती है। अब जैसे ही हीट डेवलप होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो यहाँ से एमिट होने लग जाते हैं और प्लेट्स के पास जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पे कैथोड होता है, और ये जो है हमारी एनोड है, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो एमिट होके कहाँ जाते हैं, एनोड के पास जाते हैं। और इसके अंदर जो बीच में ग्रिड होती है, स्टार्टिंग में वो न्यूट्रल होती है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इस वजह से इजीली जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कैथोड से एनोड के पास चले जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, ट्रायोड वॉल के अंदर करंट डेवलप होता है, जो करंट है वो रन करने लग जाता है। अब एनोड से कहाँ पे जाता है करंट, ऑसिलेटर सर्किट के पास। तो जैसे ऑसिलेटर सर्किट के पास करंट जाता है तो कैसे रन करता है, एम से एम की तरफ ऐसे रन करने लग जाता है। अब क्योंकि एम से एम के पास जा रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, जैसा इसके अंदर हुआ था, इसके अंदर भी एक मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप होगा और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो हमारा एक्स वाई है उसके अंदर इंड्यूस हो जाएगा ईएमएफ।
तो जैसे एक्स और वाई के अंदर करंट रन करने लगेगा तो आपको एक चीज पता होगी कि जिस डायरेक्शन में भी करंट रन करता है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रन करते हैं। तो अब जैसे जो एक्स वाई के डायरेक्शन के अंदर अगर करंट रन कर रहा है तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर रन करेंगे, यानी कि वाई से एक्स की तरफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वो ऊपर की तरफ रन करने लग जाते हैं और ग्रिड को क्या कर देते हैं, नेगेटिवली चार्ज बना देते हैं। यानी कि इधर बहुत सारा जो इलेक्ट्रॉन्स हो गया कि अक्यूमुलेट हो जाता है ग्रिड के अंदर और उस वजह से क्या हो जाता है, जो ग्रिड होती है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। अब जैसे ग्रिड नेगेटिवली चार्ज हो गई तो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आती है कि जो फिलामेंट होता है वो, मैंने आप लोगों को क्या बताया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एमिट हो गए एनोड के पास जा रहा है, लेकिन बीच में क्या आ गई, ग्रिड आ गई जो कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो उसकी वजह से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव है, ग्रिड जो बीच में है वो भी नेगेटिव है। तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही आ रहे होंगे तो नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो उस वजह से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एनोड के पास आ ही नहीं पाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स उधर जा नहीं पाएंगे तो उस वजह से क्या होगा, करंट भी अब क्या होगा, धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। तो ट्रायोड वॉल के अंदर क्या होगा, करंट धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। अब यहाँ पे करंट कम होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, ये आगे जाके ऑसिलेटर सर्किट के साथ कनेक्टेड है तो ऑसिलेटर सर्किट के अंदर भी धीरे धीरे क्या होगा, करंट कम होने लग जाएगा। अब ऑसिलेटर सर्किट के अंदर करंट कम होगा तो वो अपने आप को बचाने के लिए क्या करेगा, खुद ही एक क्या करेगा, ईएमएफ को इंड्यूस कर देगा। अब वो खुद ही अपने आप को बचाने के लिए ईएमएफ को इंड्यूस कर रहा है तो उस वजह से उसको क्या बोलते हैं, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो जो ऑसिलेटर सर्किट होता है वो खुद को बचाने के लिए खुद ही सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप कर देता है। उसकी वजह से क्या होता है, कुछ टाइम के लिए, अब ये जो सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ ऐसा नहीं है कि चलता ही रहेगा, ये सिर्फ कुछ टाइम के लिए करंट जो होता है उसको मेंटेन करके रखता है और करंट जो होता है ऑसिलेटर सर्किट के अंदर फिर भी फ्लो होता रहता है। भले यहाँ पे जो करंट है वो धीरे धीरे कम हो रहा है लेकिन जो ऑसिलेटर सर्किट है वो मेंटेन करके खुद को रखता है, यहाँ पे जो करंट होता है वो मेंटेन होके रहता है कुछ टाइम के लिए। तो इस टाइम पे क्या हो रहा होता है, ये जो हमारे कैपेसिटर है ऑसिलेटर सर्किट के, ये चार्ज हो रहे होते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, जो बी वाली जो प्लेट है उसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज हो रही होती है और जो ए है वो पॉजिटिवली चार्ज हो रही होती है, यानी कि जो कैपेसिटर है उसकी चार्जिंग हो रही होती है इस दौरान। तो अब धीरे धीरे क्या होता है कि जो ऑसिलेटर सर्किट के अंदर जो सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हुआ है वो धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसको बचाने के लिए क्या होता है, अब जो कैपेसिटर होता है वो डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब जो ये इतनी देर से इस टाइम पे जब चार्ज हो रहा था पहले, अब क्या होगा, जैसे ये सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ मरने लगेगा धीरे धीरे तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, जो हमारा कैपेसिटर है या फिर उसको कंडेंसर भी बोल सकते हैं, ये क्या होता है, वो डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो करंट होता है वो ऐसे फ्लो होने लग जाता है, यानी कि एम से एन की डायरेक्शन के अंदर जो करंट है वो फ्लो होने लग जाता है। पहले क्या हो रहा था कि यहाँ से करंट आ रहा था तो उस वजह से एम से एन की डायरेक्शन के अंदर करंट फ्लो हो रहा था, लेकिन अब कंडेंसर जो हो रहा है वो डिस्चार्ज हो रहा है तो अब क्या होगा, करंट जो होगा एन से एम की डायरेक्शन के अंदर फ्लो होने लग जाएगा। तो अब जैसे यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा होगा एम से एम की डायरेक्शन में तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो यहाँ पे ये वाला जो इंडक्टर कॉइल है तो इसके अंदर भी क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो जाएगा। तो इसके अंदर भी क्या होगा कि वाई से एक्स की डायरेक्शन के अंदर करंट फ्लो होगा। अब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर फ्लो होते हैं करंट की, तो जो इलेक्ट्रॉन्स किस डायरेक्शन में फ्लो होंगे, एक्स से वाई की डायरेक्शन के अंदर। इसका फायदा ये है कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आके अक्यूमुलेट हो गए थे ग्रिड के ऊपर जिस वजह से ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बन गया था, तो अब क्या होंगे कि ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ से हट जाएंगे और जो ग्रिड है वापस से पॉजिटिवली चार्ज या न्यूट्रल ग्रिड बन जाएगा। तो उस वजह से क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिपेल नहीं होंगे क्योंकि अब ग्रिड जो हो गया उसके ऊपर सारा नेगेटिव चार्ज जो है वो हट चुका है, जो सारे इलेक्ट्रॉन्स है वो नीचे आ गए और जो उसके ऊपर जो भी नेगेटिव चार्ज था वो हट गया। तो अब क्या हो गया, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फिलामेंट से एनोड की तरफ मूव करने लग जाएंगे। तो ये जैसे यहाँ से मूव करेंगे तो वापस से जो करंट का फ्लो है वो ट्रायोड वॉल के अंदर स्टैब्लिश हो जाएगा। तो जैसे इसके अंदर करंट स्टैब्लिश होगा
और ये करंट किसको भेजेगा, ऑसिलेटर सर्किट के पास। ऑसिलेटर सर्किट के अंदर वापस से जो करंट है वो फ्लो होने लग जाएगा, तो ये जो साइकिल है वो रिपीट होती रहती है। फिर वापस से जो कंडेंसर है वो चार्ज होने लगेंगे, फिर वापस से डिस्चार्ज होंगे, फिर चार्ज होंगे, वापस से ये जो साइकिल है वो रिपीट होती रहती है। तो इस साइकिल की वजह से क्या होता है, बहुत ही ज्यादा जो हाई फ्रीक्वेंसी वाला जो करंट है वो डेवलप होता है ऑसिलेटर सर्किट के अंदर। अब इसके अंदर आप देख सकते हो कि एक पेशेंट सर्किट भी या फिर इसको रेजोनेटर सर्किट भी बोलते हैं। तो इसका बेसिकली काम किया ये है कि जो ऑसिलेटर के साथ कनेक्टेड होती है, किसके किसकी वजह से, इंडक्टर, इसके अंदर जो इंडक्टर कॉइल होती है उसके थ्रू ये कनेक्टेड होती है ऑसिलेटर सर्किट के साथ में। तो ये क्या कर देता है, इंड्यूस कर देता है ओपी, जो हमारा पेशेंट का जो सर्किट है उसके अंदर ये इंड्यूस कर देता है ईएमएफ। जो मशीन सर्किट है और जो पेशेंट सर्किट है ये आपस में रेजोनेंस में होने चाहिए ताकि जो मैक्सिमम आउटपुट है वो मिल सके। जो मशीन सर्किट जितना करंट दे रहा है तो रेजोनेटर सर्किट के पास भी उतना ही करंट आना चाहिए ताकि जो पेशेंट को मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ मैक्सिमम हीट एनर्जी दे सके। तो इसको ट्यूनिंग करने के लिए आप लोगों को, अगर आप मशीन देखोगे तो आपको एक ट्यूनिंग का ऑप्शन मिलेगा जिसको हम अगर क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज मूव करें तो जो हम मैक्सिमम एफिशिएंसी डिलीवर कर सकते हैं पेशेंट को। तो आई होप कि आप लोगों को ये पूरा जो वर्किंग है एसडब्ल्यूडी की वो समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगी हाउ हीट इज प्रोड्यूस इन टिश्यूज, यानी कि जब भी हम एसडब्ल्यूडी लगाते हैं टिश्यूज के ऊपर तो कैसे हीट जो है टिश्यूज के अंदर प्रोड्यूस होती है। तो उसके टोटल तीन मेथड है। तो जो फर्स्ट वाला मेथड है वो है वाइब्रेशन ऑफ आयंस, यानी कि हमारी जो बॉडी होती है उसके अंदर बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं चार्ज पार्टिकल्स और कुछ नेगेटिव होते हैं। तो जैसे ही हम एसडब्ल्यूडी लगाते हैं तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है जैसे ही हमारे टिश्यूज के थ्रू पास करती है तो उसकी वजह से क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पॉजिटिव होती है, कुछ नेगेटिव होती है। तो जब वो नेगेटिव वेव्स जो होती है वो आती है तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो भी पॉजिटिव वाले जो आयंस होते हैं, जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और जो भी पॉजिटिव वाली जो वेव्स होती है उसकी तरफ जो नेगेटिव वाले जो चार्ज पार्टिकल्स है वो अट्रैक्ट होकर चले जाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, जो चार्ज पार्टिकल्स के अंदर जो मूवमेंट होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है, वो इंक्रीज हो जाती है। अब जैसे ही हमारे जो प्लेट्स है उसके अंदर चार्जेस चेंज होते हैं, पहले नेगेटिव था अब पॉजिटिव हो गया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, अब जो नेगेटिव वाली चार्ज पार्टिकल्स है वो अट्रैक्ट होंगे उसकी तरफ। तो उस वजह से क्या होता है, बार बार चार्जेस जो होते हैं प्लेट्स के वो चेंज होते रहते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, आयंस भी इधर उधर रन करते रहते हैं। तो उस वजह से क्या होता है कि आपस में कोलाइड भी होते हैं, आयंस आपस में कोलाइड होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो टोटल हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाती है और इन द एंड क्या होता है, हमारा जो हीट है वो प्रोड्यूस होता है। अब जो नेक्स्ट मेथड है वो है डाइपोल रोटेशन। आप देख सकते हो ये एक डाइपोल है जिसके दो डाइपोल, डाइपोल का मतलब क्या होता है, दो पोल्स होती है, एक होता है पॉजिटिव और एक होती है नेगेटिव पोल। ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है क्योंकि दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव जो अमाउंट है वो सेम रहता है, तो उस वजह से जो डाइपोल होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अब जैसे ही हमारी जो नेगेटिव वाली जो फील्ड होगी वो आएगी तो उसकी वजह से क्या होगा, जो डाइपोल का जो पॉजिटिव वाला जो साइड है वो उस तरफ मूव कर जाएगा नेगेटिव वाली साइड की तरफ, और जो नेगेटिव वाला जो पोल है वो क्या करेगा, हमारे जो पॉजिटिव वाले वेव्स है उसकी तरफ मूव कर जाएगा। नेक्स्ट के अंदर क्या हो रहा है कि जैसे ही चार्जेस बदल गए, यहाँ पे पॉजिटिव हो गया यहाँ पे नेगेटिव हो गया, तो अब क्या हुआ, जो डाइपोल का जो पॉजिटिव वाला था वो नेगेटिव की तरफ रोटेट कर गया, ये जो पॉजिटिव वाला है वो नेगेटिव की तरफ रोटेट कर रहा है और जो नेगेटिव वाला है वो पॉजिटिव की तरफ रोटेट कर जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, ऐसे जो मूवमेंट होता है वो चलता रहता है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है और इन द एंड जो हीट एनर्जी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। जो ये लास्ट वाला है वो है मॉलिक्यूलर डिस्टॉर्शन। तो ये वाला जो टाइप है ये नॉर्मली इंसुलेटर्स के अंदर देखने को मिलता है, इस मैकेनिज्म की वजह से बहुत कम हीट जो होती है वो प्रोड्यूस होती है। तो इसके अंदर ये जो आप देख रहे हो ये एटम्स हैं, तो इसके अंदर जो सेंटर पोर्शन है वो न्यूक्लियस है जो कि पॉजिटिवली वो चार्ज होता है, और इस न्यूक्लियस के जो आसपास है ये ऑर्बिट्स है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो जैसे ही हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स टिश्यूज के थ्रू पास करवाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो भी पॉजिटिव वाली वेव्स थी तो वो किसको अट्रैक्ट करेगी, जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स का जो क्लाउड था
क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिव पार्टिकल्स होते हैं, तो फिर जो पॉजिटिव वाली वेव होगी वो जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होगा उसको अट्रैक्ट करेगी, और जो नेगेटिव वाली जो वेव थी वो हमारे न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिव पार्टिकल होता है। तो उस वजह से अब जो जैसे ही वेव्स जो होगी वो चेंज हो जाएगी, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा कि जो न्यूक्लियस होगा वो नेगेटिव वाली को अट्रैक्ट करेगा और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो ये तीन मैकेनिज्म होता है जिसकी वजह से जो हीट होती है टिश्यूज के अंदर वो प्रोड्यूस होती है।